देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार? बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN9 न्यूज पर। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7वां चरण आखिरी चरण और आज चुनाव खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो बिहार की 8 लोकसभा सीटें तो मौजूद हैं, लेकिन पाटलिपुत्र पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को फिर से चुनावी मैदान में उतारा और मीसा भारती चुनावी मैदान में उतरती हुई जीत का दावा भी करती हुई नजर आ रही हैं। ये सीट हॉट सीट अभी तक बिहार में बनी हुई है, क्योंकि मीसा भारती ने 2019 में भी चुनाव लड़ा था इसी सीट से, लेकिन इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जब रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से उतारा गया, तब से ही मीसा भारती के समर्थन में भी पाटलिपुत्र की जनता नजर आने लगी। रामकृपाल यादव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले यहां पर वो कमजोर देखे जा रहे हैं। यहां पर मीसा भारती के मुकाबले रामकृपाल यादव यहां पर कमजोर नजर आ रहे हैं, और ये हकीकत तब बनती है क्योंकि जब यहां पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी के कुछ विधायक समर्थन देने पाटलिपुत्र में पहुंच जाते हैं मीसा भारती को। यहाँ पर आपको ये बता दें कि मीसा भारती को समर्थन NDA की तरफ से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, और हम पार्टी के कई विधायकों ने समर्थन रोहिणी आचार्य को भी दिया था। ये कहा गया था कि जब रोहिणी आचार्य का काफिला सारण के सड़कों पर देखने को मिला था, जब रोहिणी आचार्य का स्वागत फूल मालाओं से किया जा रहा था, फूल बरसाए जा रहे थे, उस दौरान जीतन राम मांझी के कुछ विधायक गाड़ी पे से फूल हटाते हुए दिखाई दे रहे थे, और ये तस्वीर थी कि क्या NDA से बागी तेवर अब हम पार्टी के विधायक आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां स्थिति NDA से तमाम दलों के छिटकने की बताई जा रही है, इसमें अब एक और कड़ी जुड़ जाती है कि मीसा भारती के समर्थन में जीतन राम मांझी के विधायकों का जाना, क्या जीतन राम मांझी भी बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पोलिंग बूथ जहां पर वोट डाले जा रहे हैं पाटलिपुत्र में, और वहीं दूसरी तरफ समर्थन मीसा भारती का होना, यह दर्शाता है कि क्या इस बार का चुनाव RJD तमाम सीटों पर जीतती हुई नजर आएगी। 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पाटलिपुत्र उसमें से एक है। क्या पाटलिपुत्र RJD के खाते में इस बार जाता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।